बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीबर्ट नॉलेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईटा पीएसटी 2022 सिलेक्शन के हवाले से। तो पीएसटी में मेरे लिस्ट है और सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। तो इसमें जो बहुत सारे जो मेम्बर्स हैं उनके कॉमनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें मोस्टली 4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि मेरे लिस्टें कब लगेंगी डी खान डिवीन और हज़ारा डिवीन की, या इसके अलावा मेरे लिस्टें हमारे साथ शेयर करें यूसी वाइज, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो अपने नंबर मेंशन करते हैं 50 और 52 हैं, तो क्या हमारे चांसेस बन सकते हैं सिलेक्शन के, कितने चांसेस हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे 40 नंबर से नीचे हैं क्या मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर आपके 40 नंबर किसी कैंडिडेट के आए हुए हैं तो वो पूछता है कि 40 मेरे नंबर हैं आया मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। तो इसके बाद एक और कैंडिडेट था जिसका ये क्वेश्चन था कि अगर यूसी में कोई भी बैचलर कैंडिडेट ना हो तो क्या वो एफएफएससी वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर एक यूसी है उसमें से किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया हो और उसके पास एफएफएससी है, इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट के पास बैचलर नहीं है, तो क्या वो एफएफएससी वाले जो जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो उसकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। तो इन तमाम तर सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि मेरे लिस्टें कब लगेगी डी खान डिवीन और हज़ारा डिवीन की, या मेरे लिस्टें हमारे साथ शेयर करें। अच्छा दोस्तों, मैंने एक पहले वीडियो 2-3 वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डी खान डिवीन के पीएसटी के जो टॉपर्स थे टॉप 20 आई थिंक, तो वो आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी। इसके बाद आप लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट डी खान के मेल और फीमेल सीटी की मेरे लिस्टें आप लोगों के साथ शेयर की, जिसमें टॉप 20 मेल और फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी। उस पर बहुत सारे जो दोस्त थे उनके ये क्वेश्चन आ रहा था कि मेरे लिस्टें हमारी कब लगेंगी, या इसमें यूसी वाइज मेरे लिस्टें कब लगेंगी, या हमारे साथ यूसी वाइज मेरे लिस्टें शेयर करें। तो इसमें हज़ारा डिवीन के लोग भी पूछ रहे थे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पूछ रहे थे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी मेरे लिस्टों के हवाले से फ़िलहाल कोई भी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई कि मेरे लिस्टें कब लगेंगी, और मेरे पास ऐसा कोई वसाइल नहीं है कि आप लोगों के साथ यूसी वाइज जो मेरे लिस्टें वो शेयर की जाएँ, क्योंकि जो मेरी लिस्टें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की वो उसमें सिर्फ और सिर्फ ईटा के नंबर 8 थे। आपके जो एकेडेमिक मार्क्स एग्रीगेट जो आपको बनता है वो उसमें 8 नहीं है, जो सीटी वाली मेरी लिस्टें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उसके अलावा पीएसटी डिवीजन वाइज जो आप लोगों के साथ मेरी लिस्टें शेयर की हैं। तो यूसी वाइज जो आपकी मेरी लिस्टें लगेंगी वो डीओ ऑफिस से बनेगी, और डीओ ऑफिस आपकी यूसी वाइज मेरी लिस्टें बना के आप लोगों के डीओ ऑफिस के ऑफिस के बाहर लगेंगी, तो वहाँ से आप अपनी लिस्टें देख सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि मेरी लिस्टें शायद मे भी हो सकता है कि ईटा मेरी लिस्टें लगा ले, कि उसमें भी अगर लगाता भी है तो वो मिस्टेक करेगा, जैसे पहले सीटी और एसएसटी की मेरी लिस्टें ईटा ने लगाई हैं तो उसमें कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं। तो ये मिस्टेक्स होंगी तो वो करेक्शन भी यहाँ डीओ ऑफिस ही करेगा, और डीओ ऑफिस से ही आपकी जो टेंट मेरिट लिस्ट जो ओरिजिनल ऑफिशियल मेरिट लिस्ट होगी वो डीओ ऑफिस से लगेगी, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत सारे जो कैंडिडेट पूछते हैं कि मेरे इतने नंबर आए हैं, अपने नंबर बताते हैं कि 52 हैं 53 हैं, क्या मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, कितने परसेंट चांसेज हैं कि मेरी सिलेक्शन होगी, पीएसटी के हवाले से ये क्वेश्चन ज़्यादा किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने जिस भी यूसी से अप्लाई किया हुआ तो वो डिपेंड करता है आपकी यूसी पे और यूसी के मेरिट पे, और इसके अलावा यूसी के अंदर जितनी पोस्टें हैं उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने अच्छे मार्क्स भी गेन किए हैं, अगर आपकी यूसी में 2 पोस्टें हैं 3 पोस्टें हैं तो ऐसी बात है मेरिट भी आई होना है, मेरिट भी आई है, और आपने 65 नंबर भी लिए हैं, आपके इकोनॉमिक मार्क्स अच्छे हैं, तब भी आपके पास जो चांसेज हैं वो कम है। इसके अलावा अगर एक कैंडिडेट है जिसके यहाँ 40-30 पोस्टें हैं यूसी में और उसने 45 नंबर भी लिए हुए हैं, अगर इवन के पास भी किया होगा तो तब भी उसके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। वो क्यों? क्योंकि उसमें जो मेरिट होगा वो लाजमी बात है स्लो होगा, तो इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर आपने 60 नंबर भी लिए हैं तो तब भी उसमें नहीं कहा जा सकता कि आपने सिलेक्शन है कि नहीं है। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको खुद ही पता होगा कि आपकी यूसी का मेरिट कितने तक जाएगा, कितना हाई होगा लो होगा, तो उस हिसाब से आपके चांसेस बनते हैं कि आपकी सिलेक्शन होनी है कि नहीं होनी है, ठीक है।
तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मेरे 40 से नीचे नंबर है, क्या मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। तो इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर कम आए होते हैं। जैसे हज़ारा डिवीजन में इस दफ़ा तकरीबन 5700 लोगों ने अप्लाई किया था, 5700 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मेल ने टेस्ट दिया था, तो उसमें से 2600 लोगों ने इस टेस्ट को पास किया। तो इस दफ़ा बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो फेल हैं, 40 से बिलो उनके नंबर आते हैं, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादातर ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे 35 नंबर है, 38 नंबर हैं, क्या हमारी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। तो इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके ये क्वेश्चन आते हैं। तो इनको मैं बताना चलूँ, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके 40 नंबर से कम है, ठीक है, 40 मार्क्स आपके पास 40 नंबर टेस्ट में नहीं आए हैं, तो तब किसी आलमे में आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती एज़ पर एडवर्टाइजमेंट रूल। तो एडवर्टाइजमेंट जो था उसके अंदर वाज़े तौर पे मेंशन किया गया था। तो इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यूसी में 8 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट हैं, लेकिन दो लोगों ने टेस्ट पास किया है, तो हमारे 36 नंबर हैं, 39 नंबर हैं, तो हमारी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। भाई साहब, अगर आपने 39 नंबर भी लिए हैं, एक नंबर से भी आप रह रहे हैं, तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती जब तक आप फेल कंसिडर किए जाएंगे ईटा में। अगर आपने 40 नंबर नहीं हासिल किए तब आपकी सिलेक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पोस्ट आने लगी हैं उनमें अप्लाई करें, ठीक है। तो जो सिलेक्शन होगी उसमें मुतलका जो आपकी 7 वाली जो यूनियन काउंसिल होगी उससे सिलेक्शन की जाएगी अब वहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद अगर वो भी नहीं होता तो उसके बाद दोबारा से आपकी जो पोस्टें ये री एडवर्टाइज़ की जाएंगी, ठीक है। तो री एडवर्टाइज़ का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर अगर यूसी में पास ना हो कैंडिडेट कोई तो फिर कहाँ से वो सिलेक्शन करेंगे। मैंने कहा कि 7 वाली जो यूसी होगी उससे वो जो टीचर है उसको हायर करेंगे, सिलेक्शन उसकी होगी 7 वाली यूसी की। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 7 वाली यूसी में ना हो तो तब क्या होगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि फिर मैंने उसको रिप्लाई किया था कि आपकी जो पोस्ट है वो दोबारा से री एडवर्टाइज़ की जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यो तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यूसी में कोई भी बैचलर ना हो, किसी ने भी बैचलर ना किया हो, जैसे कि बैचलर कंपल्सरी है PST या CT या जितने भी एजुकेशन कैडर्स हैं डिफरेंट उसमें अप्लाई करने के लिए, तो PST की हम बात कर रहे हैं, तो PST में बैचलर जैसे रिक्वायर्ड है, तो बैचलर अगर किसी के पास ना हो तो क्या FAFSC वाले कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस हवाले से भी क्वेश्चन आए हुए थे एक दो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी UC में कोई भी बैचलर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई बैचलर नहीं है आपकी UC में, तो तब FAFSC से आपकी सिलेक्शन नहीं की जाएगी, क्योंकि ये कंपलसरी है कि आपके पास बैचलर होना ज़रूरी है, ठीक है। BA BSc या इसके इक्वल आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा अगर किसी ने टेस्ट दे भी दिया है तो तब भी उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकती विदाउट बैचलर डिग्री, ठीक है। तो बैचलर आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये वो तमाम तर क्वेश्चन हैं जो कि कैंडिडेट की तरफ से कॉमनली कमेंट बॉक्स के अंदर पूछे गए। तो इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।